रोमियों 4 अध्याय का 20 और 21वां वचन, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। इब्राहिम को यह विश्वास था, जो वादा देता है वो वादा को निभाएगा। उनके अंदर ये पूरा पूरा विश्वास था, लेकिन उनका उम्र तो 100 हो गया, शरीर पूरा तो मरा हुआ है, पत्नी का उम्र 90 हो गया, संतान होने के लिए वहां कोई संभावना नहीं है। उसके बीच में जिन्होंने वादा किया वो उस वादा को पूरा किया करके उन्होंने विश्वास किया, ये इब्राहिम मैं तुम्हें निश्चय आशीष दूंगा, इस देश को तेरे संतानों को दूंगा करके प्रभु ने वादा किया। इसलिए उस प्रतिज्ञाओं को इब्राहिम ने पूरा पूरा विश्वास किया। उन्होंने अपने शरीर की अवस्था को ना देखा, सारा का उम्र इतना हो गया उसको भी ना देखा, लेकिन उनके अंदर ये विश्वास था परमेश्वर जो है इस वादा को पूरा करेगा। प्रभु की वादा पर इतना विश्वास है, इसलिए क्या हुआ है उसके सब उम्र में इस हक को परमेश्वर ने दिया। सारा के अंदर इतना विश्वास उसको देखिए जो वादा किया है वो पूरा करेगा करके उसने विश्वास की। उसका परिणाम ये हुआ है, शरीर तो मरा हुआ लेकिन उचित समय में परमेश्वर उसको इसहाक को दिया। इसमें से हमें ये शिक्षा मिलती है, इब्राहिम के अंदर जो विश्वास था वो सारा के अंदर भी था। इसका मतलब पति पत्नी साथ मिलकर एक बातों को विश्वास करना है। पति पत्नी दोनों मिलकर यदि आप विश्वास करने से जरूर परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। इसको सुनने वाले आपसे भी मैं कहता हूं, नामुमकिन करके लोग कहते होंगे, लेकिन आप पति पत्नी दोनों मिलकर एक मन से प्रार्थना करेंगे तो अब्राहम सारा का जिन्होंने अद्भुत काम किया आपके लिए भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। ये कॉपरेट फेथ जो है बहुत ही जरूरी है। इसलिए पति पत्नी और बच्चे अब सब मिलके ये कार्य के लिए जो है मन लगा के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की वादा पर विश्वास करके यदि आप प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा। सारे नुकसान जो है आशीष के रूप में बदलेगा, परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया।